In this video, you are going to see these two awesome microcontrollers which has screen inbuilt. हेलो गाइस, होप आप सभी लोग ठीक होंगे एंड मजे में होंगे। आज की वीडियो में आया है, नया पार्सल आया है लिलीगो की तरफ से है, नए कुछ माइक्रो कंट्रोलर ESP32 बेस्ड, कुछ नए माइक्रो कंट्रोलर डिस्प्लेज एंड कुछ यूनिक गैजेट्स वगैरह है इसमें। बेसिकली दो गैजेट्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो, नाम पढ़ सकते हो। पहला नाम है यहाँ पे लिलीगो टी कीबोर्ड S3 एंड नेक्स्ट है टी डिस्प्ले S3 प्रो। तो ये दो गैजेट्स हैं इसमें। तो आज की वीडियो में जल्दी से आपको अनबॉक्स करता हूँ, अनबॉक्स करके दिखाता हूँ क्या क्या चीजें इसमें मुझे रिसीव हुई है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज दिखाना चाहता हूँ, इफ यू डोंट नो अबाउट कोर, ये है कोर की चेन। जैसे कि आप ये देख सकते हो, करंटली जो मेरे हाथ में ये इंटेल i5 का 3rd या 4th generation का CPU है। ये एक एज अ की चेन है, देखो एज अ की चेन आप इसको रख सकते हो, अपने बैग के पीछे लगाओ, अपने बैग के पीछे लगाओ, इसमें की चेन लगाओ, गाड़ी की कीज लगाओ इसमें, और लाइक इसको एज अ फ्रिज मैग्नेट भी यूज कर सकते हो। इसमें पीछे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट लगा रखे, जैसे न्यूडेमियम मैग्नेट बोलते हैं। तो ये आप चेकआउट कर सकते हो, इससे आप पार्सल्स भी खोल सकते हो आराम से। तो चेकआउट कर सकते हो, 350 rupees का मैं अभी करंटली सेल कर रहा हूँ। मेरे इंस्टा पे जाके मुझे DM करो, वहाँ पे आपको डिटेल दे दूंगा, वहाँ से आप उसको इसको ऑर्डर भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का, वहाँ से मेरे को DM करके ले सकते हो। हाँ जी, तो कुछ इस तरीके से बॉक्स आया था मेरे पास, यहाँ पे मेरी शिपिंग डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है एंड बारकोड वगैरह है, ऐसे ही देख सकते हो। तो चलो जल्दी से बॉक्स करते हैं और आपको चीजें दिखाते हैं क्या क्या कैसे कैसे है। कोर की मदद से अनबॉक्सिंग भी कर सकते हैं, देखो इस तरीके का बॉक्स है, पूरा बबल रैप हो रखा है इसमें। निकालते हैं बाहर, आपको दिखाते हैं क्या क्या इसमें है, पूरा बबल रैप हो गया है। ये दोनों प्रोडक्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है लिलीगो टी कीबोर्ड S3। जो दूसरा बॉक्स है यहाँ पे है लिलीगो टी डिस्प्ले S3 प्रो। टी डिस्प्ले S3 प्रो से शुरू करते हैं, कुछ इस तरीके का छोटा सा बॉक्स है, बिल्कुल इतना सा बॉक्स है ये, देख सकते हो अच्छे से। पीछे इनके बारकोड स्टिकर्स हैं, फ्रंट में लिलीगो टी डिस्प्ले S3 प्रो लिखा हुआ है। जल्दी से अनबॉक्स करते हैं, आपको दिखाते हैं। छोटा सा ये फोन जैसा कुछ है, बॉक्स में और कुछ नहीं है, बस सिर्फ यही निकला है, कोई केबल या कुछ नहीं निकली इसमें। कुछ इस तरीके का दिखता है लिलीगो टी डिस्प्ले S3 प्रो। लिलीगो एक ऐसा ब्रांड है, चाइना से ही है बेसिकली ब्रांड। काफी सारे डिस्प्लेज वाले ESP32 बेस्ड डिस्प्लेज एंड माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह ये लोग बनाते हैं, तो उन्हीं में से ये दोनों प्रोडक्ट्स आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने चैनल पे एक और दिखाया था लिलीगो का प्रोडक्ट, जो था लिलीगो टी टेक करके, तो वो आप देख सकते हो, वो वीडियो भी काफी मजेदार थी एंड बहुत बढ़िया प्रोडक्ट था वो टी टेक जो था। तो जल्दी से मैं इसको टर्न ऑन करते हैं, यहाँ पे एक स्विच दे रखा है, इसको टर्न ऑन करता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो ऐसे ऑन हुआ, देखो मस्त वाला ऑन, ये आपको आईफोन वाली थीम मिल रही होगी, इसमें आईफोन वाला वो थीम लगा रखा है। इसके अंदर ESP32 बेस्ड एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, ये ओवरऑल कुछ ऐसा रहने वाला है। ये जो भी आपको आइकन्स वगैरह इसमें दिख रहे हैं ये चालू नहीं है, एक्सेप्ट कैलकुलेटर एंड सेटिंग्स चालू है, कैलकुलेटर चालू है, बाकी ये सब चालू नहीं है, ये भी चालू नहीं है एंड कैमरा चालू है। जैसे कि आप देख सकते हो कैमरा चालू है, मेरा हाथ आपको नीचे दिख रहा होगा, लाइक ये देखो ये दिख रहा है ना, तो कुछ इस तरीके का ये है कैमरा एंड इसके अंदर सेटिंग्स है। सेटिंग्स में आपको वाईफाई एंड ब्लूटूथ मिल जाएगा, अबाउट द मशीन मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो लिलीगो 1.0 लिखा हुआ, 1.0.0 लिखा हुआ है। CPU आप देख सकते हो ESP32S3 डाला हुआ है, जो कि 2 कोर का ये प्रोसेसर रहने वाला है और 16 MB की मेमोरी इसमें आती है। बाकी ये कुछ डिटेल्स वगैरह आप इसमें देख सकते हो। ये जो प्रोसेसर्स हैं ये बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, तो ओवरऑल ये कुछ पैकेज रहने वाला है एंड काफी सारे इनके फर्मवेयर्स आते हैं, आप इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ये इनकी पूरी पूरी लाइब्रेरीज आपको मिल जाएगी आर्डिनो के ऊपर, ESP32S3 की आपको पूरी पूरी लाइब्रेरी मिल जाएगी, वहां से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के नीड के हिसाब से, इसको चेंज वगैरह कर सकते हो। ऊपर से आप टास्क पैनल भी खोल सकते हो, यहाँ से ब्राइटनेस भी एडजस्ट हो जाती है जैसे कि आप देख सकते हो। आगे किसी वीडियो में मैं इनके एग्जांपल कोड्स भी आपको डाल के दिखाऊंगा, इनके काफी सारे एग्जांपल कोड्स आते हैं, लाइक पीछे आपको टाइप सी का बोर्ड दिख रहा है तो OTG वाला एक एग्जांपल कोड आता है, एक रेंडर करके मतलब एक CPU का रेंडरिंग वाला एक एग्जाम्पल कोड आता है, मतलब काफी सारे एग्जाम्पल कोड्स वगैरह आते हैं। यहाँ पे कैमरा देख सकते हो, कैमरा इसमें आता है, एक बार इसके पीछे पैक खोल के दिखाता हूँ। पैक में आपको एक फ्लैश लाइट मिल जाएगा, कैमरा मिल जाएगा, जो की ESP32 बेस्ड एक अपने ESP का ही एक 32 का एक माइक्रो कंट्रोलर मैंने आपको पहले कभी दिखाया था, वो वाली हैकिंग वाली वीडियो में, आपने हैकिंग गैजेट वाली वीडियो में, तो उसमें भी मैं एक जो ESP32 बेस्ड एक कैमरा बेस्ड वो चला रहा था माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड, तो वो भी मतलब वही वाला ही कैमरा रहने वाला है। एंड यहाँ पे आप नीचे
बैटरी देख सकते हो, बैटरी लगी हुई है। बाकी अंदर साइड यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक बटन नहीं है, ये दो बटन है एंड दोनों के अलग अलग फंक्शनैलिटीज है। एक शायद रीसेट का है एंड एक शायद फर्मवेयर अपलोड वगैरह का है। यहाँ पे भी कुछ GPIO से कनेक्टेड है। ये भी दो बटन है इंडिविजुअल, एक इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे। और नीचे की साइड आप यहाँ से आ सकते हो, तो यहाँ पे तो ये कनेक्टर्स देख सकते हो, ये ऑन ऑफ के लिए होगी। यहाँ पे आप अपना TF कार्ड लगा सकते हो, माइक्रो SD कार्ड जिसको बोलते हैं। यहाँ से आप इसको चार्जिंग एंड डेटा अपलोड करना है, इसमें कोई कोड अपलोड करना है तो यहाँ से आप इसके टाइप सी के पोर्ट से अपलोड कर सकते हो। ऊपर की साइड पे एक ग्रिल है एंड काफी कॉम्पैक्ट सा ये डिवाइस है। आप इसमें काफी सारे एग्जांपल पोर्ट्स भी कर सकते हो, आप प्रोग्रामिंग भी काफी सारे इस पे कर सकते हो। काफी बढ़िया लगा मुझे, ओवरऑल चीज तो बहुत बढ़िया है, काफी सारी चीज इस पे कर सकते हैं। तो चलो इसको रखते हैं साइड में, आगे किसी वीडियोस में आपको इसमें एग्जांपल कोड या फिर हो सके तो कुछ ना कुछ इस पे बना के भी दिखाऊंगा, क्योंकि आप सब लोग सोचते होंगे कि ये किस काम के हैं। ये काम के होते हैं जिन जो इन सब इस लाइन में होते हैं, लाइक उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स के काम के होते हैं। लाइक प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो उसमें कोई डिस्प्ले उनको यूज करना है, तो ऐसे कुछ ऐसा कंट्रोलर यूज कर सकते हैं इसको। लाइक मुझे IoT बेस्ड कंट्रोलर यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने एक बल्ब बनाया IoT बेस्ड, तो उसको टर्न ऑन करना है, टर्न ऑफ करना है, यहाँ पे मैं एक स्विच लगा दूँ, इसके थ्रू टर्न ऑफ ऑन कर सकता हूँ। लाइक बहुत सारे यूजेज हो जाते हैं एक स्क्रीन लगने के बाद। ये SP32 आप बहुत बड़ी लाइब्रेरी है इनकी, बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स वगैरह बन जाते हैं आराम से एंड बहुत अमेजिंग चीज रहने वाली है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज है ये इनका न्यूली लॉन्च्ड चीज है एंड दिस थिंग इसने जो मुझे अट्रैक्ट किया था ना, मैंने तभी इसको ऑर्डर किया था। ये चीज भाई साहब बहुत अमेजिंग है, जल्दी से बस आपको खोल के दिखाता हूँ कैसी चीज है। ये आया, ये कुछ GPIO कनेक्टर्स मिल जाते हैं एंड ये देखो गाइस, वाओ। तो ये कुछ इस तरीके का रहने वाला है, ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड है। आप क्लिक की आवाज सुनिए, ये पूरा मैकेनिकल कीबोर्ड रहने वाला है एंड ये जो की कैप्स है उसके अंदर डिस्प्ले लगी हुई है गाइस, लाइक ऑसम ब्रो। लाइक इसमें डिस्प्लेस लगी हुई है, इंडिविजुअल चार डिस्प्ले लगी हुई है इसके ऊपर। अभी मैं इसको जल्दी से टर्न ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इसके भी काफी सारे एग्जांपल कोड्स आते हैं, इसमें आप टाइम रन कर सकते हो, लाइक PC में आपको शॉर्टकट करना है वो कर सकते हो आप। इसमें लाइक Spotify का कोड प्रोग्राम करके डाल दो एंड लाइक आपको गाने चेंज करने तो यहाँ पे फॉरवर्ड के डाल दो, यहाँ पे बैकवर्ड वगैरह के डाल दो, पॉज के लिए डाल दो, कुछ भी डाल दो। एक बहुत कूल चीज है ये। अभी मैं जल्दी से इसको टर्न ऑन करता हूँ और आपको डिस्प्ले दिखाता हूँ इसकी। ये केबल भी इसी के साथ मिली थी एंड काफी मस्त केबल है, यहाँ पे लाइट लगी हुई है। सिंपली आपको बस टाइप सी में इसके पीछे लगाना है एंड ये थोड़ी देर में आप वाओ गाइस ये देखो है ना गजब चीज, लाइक गजब इंडिविजुअल चार डिस्प्ले मिल रही है आपको इसके अंदर एंड दिस थिंग इज ऑसम। इसमें भी ESP32 का ही माइक्रो कंट्रोलर आता है, जैसे इसमें आता है ESP32S3 बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर वगैरह आते हैं एंड इसपे भी आप एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। Wi-Fi ब्लूटूथ आपको मिल जाएगा, Wi-Fi ब्लूटूथ के थ्रू मतलब इसमें प्रोग्राम करके आप इसमें पोर्टल चला सकते हो। लाइक आपको IoT बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो लाइक आपको लाइट्स ऑन करनी है या फिर पैन ऑन करना है, ऐसे क्लिक करो एंड यहाँ पे डिस्प्ले भी एक लगी हुई है तो डिस्प्ले के साथ ही वो ऑन हो जाएगा। एंडलेस पॉसिबिलिटीज है, एंडलेस प्रोजेक्ट है, आप कुछ भी बना सकते हो इन सब चीजों से। अभी तो इसमें कोई एग्जाम्पल कोड है नहीं, मतलब लाइक सिंपल ये डाला हुआ है। इसमें मैं जल्द ही इसमें एग्जाम्पल कोड आपको आगे की वीडियो में इसमें डाल के दिखाऊंगा। इसमें लाइक कोशिश करूंगा कि कोई वाईफाई बेस्ड एक एग्जांपल कोड डालूं, अपने PC से कंट्रोल करूंगा। लाइक एक डिस्प्ले में लगा देंगे अपना CPU यूजेज हो रहा है, RAM यूजेज कितना हो रहा है, GPU यूजेज कितना हो रहा है, लाइक ना कूल दिखेगा ना ये। एंड कीज के साथ हम एक शॉर्टकट भी ऐड कर देंगे, लाइक मुझे क्रोम ब्राउजर खोलना है तो मुझे लाइक YouTube खोला है तो मैं क्लिक करूँ और वो YouTube मेरा डायरेक्ट ओपन हो जाए। तो ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स वगैरह भी इसमें इनबिल्ट करेंगे एंड बहुत सारी एंडलेस पॉसिबिलिटीज है इस कीबोर्ड के साथ भी एंड बहुत यूनिक सब प्रोडक्ट है ये। तो ये कुछ दो प्रोडक्ट्स आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाए। ये ऑर्डर करने का सिर्फ यही मोटिव था कि ये लाइक ये वाला कीबोर्ड बहुत ऑसम लगा मुझे एंड यू लॉन्च प्रोडक्ट देखना। तो जल्दी से ये वीडियो को यहीं पर रखते हैं एंड एक बार आपको वेबसाइट और दिखा देता हूँ कि क्या क्या आपको दोनों की बेसिकली इन दोनों चीजों की वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ। ये तो ये छोटा सा T-Display S3 Pro है, उसकी भी आपको जल्दी से वेबसाइट दिखाता हूँ एंड कीबोर्ड की भी वेबसाइट दिखाता हूँ। ये कुछ वेबसाइट रहने वाली है, T-Display S3 Pro देख सकते हो, दो मॉडल ब्लैक एंड व्हाइट आई गेस कलर्स आते हैं एंड एक आता है बेसिक एंड एक आता है विद कैमरा, ये देख सकते हो एंड ब्लैक एंड ऑरेंज एंड व्हाइट, व्हाइट एंड ऑरेंज एंड सिर्फ व्हाइट आता है। और इसका जो कॉस्टिंग है कैमरे वाली की मैं आपको दिखा देता हूँ, $46 अराउंड $46 का आता है, मतलब आपको 4,000-5,000 रुपए में आपको, लाइक मेरी तो कस्टम ड्यूटीज वगैरह नहीं लगी इस पे, आपको अराउंड 4,000 रुपए का पड़ेगा। ये छोटा सा जो iPhone सा दिखता है बेसिकली, इस पे तो अभी सिर्फ फर्मवेयर iOS वाला थीम डाल रखा है तभी iOS जैसे दिख रही है, बाकी ये कुछ ऐसा रहने वाला है। और चीज आपको दिखा दूं,
चलें एक बार नीचे ले चलता हूँ आपको। यहाँ पे आप इसकी टेक्निकल डिटेल्स वगैरह देख सकते हो, डिटेल्स अपडेटेड इसके डिस्प्ले की इंचेस देख सकते हो, 2.33 इंचेस की स्क्रीन लगी हुई है एंड एक चिप वगैरह लगे हुए हैं इसमें, एडिशनल चिप्स हैं। आप इसमें माइक्रो कंट्रोलर देख सकते हो कौन सा लगा हुआ, ESP32S3R8 12 कोर का प्रोसेसर है एंड आर्डिनो IDE और माइक्रो पाइथन के थ्रू प्रोग्राम कर सकते हो। बाकी फ्लैश है इसमें 16 MB, RAM है इसमें 8 MB, बाकी OTG वगैरह सपोर्ट करता है। और जो मैं बटन की बताया था, एक है कनेक्टेड बूट से, एक है रीसेट से, रीसेट और बूट का बटन है, एक है GPIO 12 से कनेक्टेड है, GPIO 16 से कनेक्टेड है। तो जो ये वाले जो मैं आपको कीबोर्ड की दिखा था ना, ये वाले एक GPIO 12 से कनेक्टेड है एंड एक GPIO 16 से कनेक्टेड है, तो ये दोनों कुछ कनेक्टेड रहने वाले, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ये कुछ ओवरऑल इमेज रहने वाला है। बाकी इनके सैंपल कोड्स वगैरह आप इनके गिटहब से उठा सकते हो, गिटहब से भी ले सकते हैं। साइज वगैरह आप यहाँ पे देख लो क्या साइज वगैरह रहने वाला है, स्पेसिफिकेशन रहने वाली है। टी कीबोर्ड अराउंड एक ही इसमें वेरिएंट आता है, $53 का आता है, ये 4-5, 4.5-4 हजार का मिलेगा अगर आप इंडिया में मंगाओगे तो। ये सब रहने वाला है, ये सब देख सकते हो। तो ओवरऑल कुछ ये वेबसाइट रहने वाली है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, वही सेम ESP32S3, इसमें भी माइक्रो कंट्रोलर डाला हुआ है जो कि 2 कोर का है एंड लैंग्वेज इसमें C++ एंड लुआ आई डोंट नो कौन सी है। बूट बटन इसमें मिल जाएगा, रिसेट बटन मिल जाएगा, 4 फंक्शन के बटन मिल जाएंगे। ये तो मुझे दिख ही नहीं, मुझे तो सिर्फ एक ही बटन दिखा जो कि शायद ये बूट का बटन है, ये वाला। तो ओवरऑल कुछ ये इसकी रेजोल्यूशन देख सकते हो, यहाँ पे रेजोल्यूशन भी लिखा हुआ है, काफी कमी रेजोल्यूशन है। ये कुछ ऑनबोर्ड फंक्शन देख सकते हो, ये कुछ फंक्शन ये प्रोवाइड करता है ये कीबोर्ड। इसकी जो भी आगे वीडियो, इसकी डिटेल वीडियो में लाऊंगा आगे और भी ज्यादा, क्योंकि वीडियो अभी बहुत लंबी हो रही है, देखो अभी 15-15 मिनट की वीडियो बन गई, तो इसकी जो आगे एक प्रॉपर वीडियो लाने वाला हूँ। तो जो भी हो, ये ओवरऑल वेबसाइट रहने वाली है इसकी एंड इन दोनों की ही माइक्रो कंट्रोलर की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं इस पे इसके जो एग्जांपल कोड्स वगैरह हैं वो रन करके देखेंगे एंड एग्जांपल कोड के बाद इसमें और भी चीजें रन करके देखेंगे, कुछ प्रोग्राम भी करके देखेंगे यूजिंग आर्डिनो है जैसे, ओवरऑल इस पे आर्डिनो वगैरह से इस पे प्रोग्रामिंग करके देखेंगे और नई नई चीजें प्रोजेक्ट वगैरह बना के कुछ करेंगे। हो सके तो आप भी कुछ सजेस्ट कर देना क्या बनाना चाहिए इस पे, वो भी आप सजेस्ट कर देना। बाकी वीडियो को यहीं तक रखते हैं एंड इसको चेकआउट कर लेना, ये 350 रुपया अभी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, 350 रुपीज का फ्री होम डिलीवरी के साथ प्रोवाइड करा रहा हूँ। मेरे इंस्टा पे जाके आप मुझे DM कर सकते हो और वहां से इसको ऑर्डर भी कर सकते हो। तो ये रहने वाली है कुछ बातचीत, बाकी मिलेंगे अगली किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, ऐसे नए नए आपके कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आऊंगा, गैजेट्स लेके आऊंगा, दिखाते रहेंगे नए नए सिंगल बोर्ड्स कंप्यूटर्स वगैरह दिखाते रहेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, बाय।